हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने अपने नेबर से कंफर्म किया है और उनका काम कल तक चलेगा, इसलिए दो लॉन्ग वीडियोस मैं संडे और मंडे अपलोड करूँगी, क्योंकि आज और कल मैं नॉर्मल लेंथ वीडियो ही अपलोड करूँगी। मेरी कैपेसिटी मैक्सिमम 20 मिनट्स की वीडियो बनाने की है, पर आजकल इस FF को जल्दी कंप्लीट करने के लिए मैं खुद को बहुत पुश कर रही हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, पर मैं आप सबके फीलिंग्स के बारे में बहुत सोचती हूँ कि आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मेहनत करने का मन भी करता है, पर कई बार कोशिश कामयाब होती है और कई बार नहीं हो पाती। तो प्लीज़ बुरा मत मानना, आई लव यू गाइस। और हाँ, जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान और यीबो जियांग के घर डिनर पर जाते हैं, जहां जान जियांग को सियो जुन के कन्फेशन के बारे में सब बता देता है और हाओ शुआन यीबो और जीली को अपने ग्रैंड पा के 80th बर्थडे का इनविटेशन देता है। जब सारे जियांग के घर से बाहर आते हैं तो वहां डेरन के घर से कैरेमन को लिंग जियाओ को धक्का मारकर बाहर निकालते हुए पाते हैं, लेकिन लिंग जियाओ अपनी जिद में वहीं रुककर डेरन के आने का इंतजार करती है, और जैसे ही उसकी जान पर नजर पड़ती है तो वो यीबो और जान का रास्ता रोकते हुए कहती है कि अब जब डेरन उसके साथ है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है। लिंग जियाओ की बात पर यीबो जान को प्रोटेक्ट करते हुए उसे सबक सिखाना चाहता था, पर जान यीबो का हाथ पकड़कर उसे पीछे करते हुए अपने आंखों से इशारा करके बताता है कि वो लिंग जियाओ को खुद ही हैंडल कर लेगा। लेकिन यीबो के इस रिएक्शन को देखकर लिंग जियाओ कहती है, यीबो ये मत सोचना कि सब तुमसे डरते हैं तो मैं भी तुमसे डरूंगी। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है, और इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा, उससे मुझे कोई डर नहीं लगता। लिंग जियाओ के यीबो से इस तरह बात करने पर जान लिंग जियाओ को जवाब देता है, लिंग जियाओ क्या तुम एक पागल डॉग हो जो जिससे भी मिलती हो उसी को काटने लग जाती हो? हम सब ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस पागल डॉग से बात नहीं करते। जान की बात सुनते ही लिंग जियाओ शर्मिंदा और गुस्सा दोनों हो जाती है, फिर जान को चिढ़ते हुए जवाब देती है कि वो दोनों सिबलिंग्स हैं, तो अगर वो डॉग है तो जान ह्यूमन कैसे हो सकता है? लेकिन जान पर लिंग जियाओ की बात का कोई असर नहीं होता और वो एक स्माइल के साथ जवाब देता है, तुमने हम दोनों को कभी भी भाई बहन की तरह नहीं माना, और जहाँ तक मुझे याद है मेरे मॉम डैड ने तुम्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है, तो मेरी कोई बहन है ही नहीं। जान की बातों से लिंग जियाओ को अपने दिल में दर्द महसूस होता है। ये सच था कि लिंग जियाओ आज भी जान को अपना दुश्मन मानती थी, और जब तक जान मर नहीं जाएगा तब तक लिंग जियाओ कभी मानसिक शांति से नहीं जी सकती थी। और यीबो के ये अनाउंस करते ही कि जान ही मिसेस वोंग है, पूरे शहर में लिंग जियाओ के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये सोचकर बुरी तरह से जलन में लिंग जियाओ कहती है, जान ये मत सोचना कि तुम बहुत महान हो, पता नहीं कितने आदमियों का सहारा लेकर तुम आज जहां हो वहां पहुंचे हो, तुम कितने ची। इससे पहले कि लिंग जियाओ अपनी बात पूरी करती, कैरेमन का एक जोरदार थप्पड़ लिंग जियाओ की गाल पर पड़ जाता है। लिंग जियाओ, जान को दोष मत दो और खुद से पूछो, तुम्हारी ही वजह से जान को चोंगचिंग छोड़कर जाना पड़ा, वो तुम ही थी जिसकी वजह से पूरी जिन फैमिली ने जान को गलत समझा, अगर तुम में अभी भी जरा सी भी शर्म बाकी है तो मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, कैरेमन कोल्ड फेस के साथ गुस्से में कहती है। और ये पहली बार था जब जान कैरेमन को इतना फ्यूरियस और रूट देख रहा था, जिसे देखकर जान भी शॉक्ड रह जाता है। कैरेमन की बात पर लिंग जियाओ अपने गाल पर हाथ रखते हुए कैरेमन से कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, और वो अगर मर भी गई तो भी मिसेस जिन ही रहेगी और जिन फैमिली से दूर नहीं जाएगी। जिस पर लिंग जियाओ को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए कैरेमन जान से काइंड टोन में कहती है कि वो जान को वहाँ देख कर हैरान और खुश दोनों हैं। फिर जान को यीबो के साथ घर के अंदर आकर कॉफ़ी पीने के लिए इनवाइट करती है।
जहाँ उनको ईबो के साथ इनवाइट करते हुए कैरेमन की नजरें ईबो पर पड़ती है, जिसमें ईबो के लिए सॉफ्टनेस थी और कैरेमन ईबो को भी अंदर आने के लिए प्लीज कहती है। पर जान को पता था कि ईबो डैरन के घर में कदम भी नहीं रखेगा तो कॉफी पीने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिसे समझते हुए जान कैरेमन को पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि आज बारिश हो रही है तो वो फिर किसी और दिन कॉफी पीने आएंगे। जिसे सुनकर कैरेमन कहती है कि वो फिर उन दोनों को नहीं रोकेगी और उनके किसी और दिन आने का इंतजार करेगी। कैरेमन को ईबो और जान के साथ इतना काइंड और पोलाइट देखकर लिंग जियाओ के दिल में जान के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है कि तभी वहाँ डैरन की कार ईबो के पास आकर रुकती है और अपनी कार से बाहर निकलकर डैरन की नज़र सब पर पड़ती है और वो कैरेमन को देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। डैरन के सवाल पर कैरेमन कहती है कि वो तो बस अपने बेटे से मिलने आई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ लिंग जियाओ मिल जाएगी। तभी लिंग जियाओ डैरन के पास आकर उसकी बाजू पकड़ते हुए कहती है कि वो अपनी मॉम को समझाए कि उसे घर से बाहर ना निकाले, पर कैरेमन फौरन कहती है कि डैरन की रिक्वेस्ट को भी वो नहीं मानेगी। लेकिन डैरन अपनी मॉम से कहता है कि वो डैरन के लिए चीज़ें मुश्किल ना करे और घर के अंदर चलकर बात करे, क्योंकि डैरन ईबो और जान के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो कैरेमन से रिक्वेस्ट करता है। पर कैरेमन किसी बात की परवाह ना करते हुए कहती है कि वो बात करने के लिए तैयार है, पर अगर लिंग जियाओ घर के अंदर गई तो वो उसकी मॉम नहीं रहेगी। जिसे सुनते ही लिंग जियाओ का पूरा शरीर कांपने लगता है और वो रोते हुए डैरन से उसे ना छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर चॉइस करने की बात आई तो डैरन हमेशा ही अपनी मॉम को ही चुनेगा। तभी डैरन लिंग जियाओ के हाथ पर थपथपाते हुए उसे शांति से इंतजार करने को कहता है और अपनी मॉम के पास आकर कहता है कि वो आराम से बात कर सकते हैं। पर कैरेमन लिंग जियाओ के लिए बात करने से साफ मना कर देती है और जान की तरफ देखने लगती है। तो जान कैरेमन से पोलाइटली कहता है कि वो अपने घर के मामले पहले संभाले, वो लोग फिर किसी और दिन कैरेमन से मिलने जरूर आएंगे। जिसे सुनकर कैरेमन ओके कहकर उन्हें जाने देती है और उनकी कार को दूर तक जाते हुए देखती रहती है। तभी डैरन मॉम कहकर बुलाते हुए कैरेमन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन कैरेमन बिना डैरन की तरफ देखे घर के अंदर जाने लगती है और डैरन अपनी मॉम को फॉलो करने लगता है। बाहर खड़े अब तक लिंग जियाओ पूरी तरह से भीग चुकी थी और इसी हालत में वो घबराते हुए डैरन को फॉलो करते हुए जैसे ही घर के एंट्रेंस तक आती है, डैरन उसे घर के अंदर आने से रोकते हुए कहता है कि मॉम अभी नाराज है और उनके शांत होने पर ही वो लिंग जियाओ के लिए बात कर पाएगा, इसलिए आज के लिए लिंग जियाओ को होटल में जाकर ही रहना होगा। डैरन की बात से लिंग जियाओ दुखी हो जाती है और डैरन से पूछती है कि अगर उसकी फैमिली नहीं मानी तो क्या वो उसे छोड़ देगा। तो एक स्माइल के साथ डैरन कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपनी सिचुएशन फैमिली को समझाने में उसे शायद थोड़ा समय लग जाए। तब तक वो किसी को कहकर लिंग जियाओ का होटल में रहने का अरेंजमेंट्स करवा देगा और सब ठीक होते ही वो उसे खुद लेने आएगा। और अगर डैरन की बात उसकी फैमिली नहीं मान पाई तो डैरन अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिएगा, इसलिए डैरन उनके फ्यूचर के लिए लिंग जियाओ को आज सेक्रीफाइस करने के लिए बोलता है। लेकिन लिंग जियाओ अब तक इतना सब कुछ सह चुकी थी कि उसे डैरन की बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो डैरन को साइड करके अंदर आ जाती है और लिंग जियाओ के इस सडन एक्शन से हैरान होते हुए डैरन उसे अंदर जाने से रोकने लगता है। पर लिंग जियाओ अंदर आते हुए कहती है कि वो एक बार खुद मॉम को मनाने की कोशिश करना चाहती है। तभी लिविंग रूम में बैठी कैरेमन लिंग जियाओ को देखते ही चिल्ला कर पूछती है कि उसे अंदर आने किसने दिया। पर तभी कैरेमन के सामने अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए लिंग जियाओ कैरेमन से माफ़ी मांगती है और उसे एक मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर अपने घुटनों के बल बैठे ही वो दो कदम आगे बढ़कर कैरेमन से उसे घर से ना निकालने के लिए कहती है, क्योंकि उसके साथ जिन फैमिली का ग्रैंडसन है। पर लिंग जियाओ की हर रिक्वेस्ट कैरेमन पर कोई असर नहीं करती और वो अपनी जगह से उठकर कहती है कि पहले तो उसने जान को हर्ट किया और फिर जिन फैमिली को, और वो सबसे हर बार झूठ बोलती आई है, तो कैरेमन उसे कोई मौका अब कभी नहीं दे सकती। ये कहकर कैरेमन ऊपर अपने रूम की तरफ चली जाती है और लिंग जियाओ बस कैरेमन को जाते देखती रहती है।
तभी डेरेन आगे बढ़कर लिंगजियाओ को जमीन से उठाते हुए कहता है कि वो और परेशान ना हो, अब उसे डेरेन ही होटल ले जाएगा। पर लिंगजियाओ जैसे ही उठती है डेरेन की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। और जब लिंगजियाओ को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसके चेहरे को प्यार से सहला रहा था। लिंगजियाओ अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश करती है पर उसे धुंधला सा अपने पास कोई बैठा दिखता है जो कोई एक आदमी था। लिंगजियाओ, जब मैं तुम्हारे पास नहीं था तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। लिंगजियाओ, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने तुम्हें और हमारे बेबी को बहुत मिस किया। उस आदमी की सॉफ्ट वॉइस सुनकर लिंगजियाओ पूरी तरह से घबरा जाती है कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पाती। तभी उस आदमी के हाथ लिंगजियाओ के चेहरे से होते हुए उसके टमी तक पहुंच जाते हैं और उसके टमी को हल्का सा प्रेस करते हुए वो आदमी पूछता है, तुमने कहा था ये बेबी मेरा है, क्या ये तुमने सच कहा था? लिंगजियाओ इतना ज्यादा डर गई थी कि वो कुछ ना कहते हुए सिर्फ कई बार हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है, फिर तो ये अच्छी बात है, वरना मैं तुम्हें और इस बच्चे को मारकर तुम्हारे साथ ही जमीन में दफन हो जाता। ये कहते हुए हेपेंग के हाथ लिंगजियाओ के गले पर कस जाते हैं। तभी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर लिंगजियाओ हेपेंग का हाथ अपने गले से हटाते हुए चिल्लाती है, हेपेंग मुझे मत मारो, ये बेबी तुम्हारा ही है। ये कहते हुए लिंगजियाओ अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर उसे उठने के बाद वहां हेपेंग नहीं दिखता। ओह, क्या ये सपना था? लिंगजियाओ ये सोचती ही है कि तभी डेरेन की आवाज उसके कानों में पड़ती है, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? जिस पर लिंगजियाओ ना में सिर हिलाते हुए सोचती है कि क्या डेरेन हर पल यही था? क्या जो उसने अभी बेबी को लेकर कहा वो डेरेन ने सुन लिया? तभी डेरेन उसके पास आकर लिंगजियाओ को उसके माथे का पसीना पोंछने के लिए टॉवल देते हुए कहता है कि डॉक्टर ने कहा है वो बहुत कमजोर है, जो बेबी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये कहते हुए डेरेन लिंगजियाओ के पास चेयर पर बैठते हुए उसके चेहरे को घूरने लगता है, जिसे देखकर लिंगजियाओ को डर लग रहा था। लेकिन तभी डेरेन पूछता है कि उसने लिंगजियाओ को किसी का नाम लेते हुए सुना, वो नींद में थी तो क्या वो जानना चाहती है कि उसने किसका नाम लिया? जिस पर लिंगजियाओ साफ मना कर देती है कि वो नहीं जानना चाहती, जिसे सुनकर डेरेन स्माइल करते हुए कहता है कि लिंगजियाओ ने तो साफ ही मना कर दिया। और इस बात से डेरेन उदास हो गया है क्योंकि लिंगजियाओ ने डेरेन का ही नाम लिया था। लिंगजियाओ जैसे ही ये सुनती है वो अपनी हैरानी से भरी बड़ी आंखों से डेरेन को देखने लगती है और डेरेन को देखते हुए उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है कि कोई तो बात है जो वहां गलत थी। लिंगजियाओ को ऐसे खामोश देखकर डेरेन पूछता है कि अब उसे क्या हुआ है, क्या वो शर्मा रही है? तो लिंगजियाओ ब्लश करते हुए कहती है कि वो डेरेन के सिवा किसी और का नाम ले भी कैसे सकती है। लिंगजियाओ डेरेन के रिलैक्स्ड फेस को देखकर थोड़ा रिलीव्ड फील करते हुए ये कहती है, जिसके बाद डेरेन कहता है कि अब जब लिंगजियाओ ठीक है तो उसे घर जाकर सबसे बात करनी है। तो ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, जिस पर लिंगजियाओ ओके कहती है और डेरेन को जाते हुए देखती रहती है और सोचती है कि उसे हेपेंग का इतना बुरा सपना क्यों आया। इन कुछ दिनों में वो डेरेन से इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि उसे तो हेपेंग याद ही नहीं रहा था, पर आज इतना बुरा सपना देखने के बाद वो परेशान हो गई थी। फिर कुछ सोचते हुए वो हेपेंग को कॉल मिलाती है, ये सोचकर कि अगर वो बाहर आ गया होगा तो उसका कॉल जरूर उठाएगा, पर वो कॉल कोई आंसर नहीं करता। लिंगजियाओ जेल में जाकर हेपेंग को चेक करना चाहती थी पर उसकी हेल्थ कंडीशन उसे अलाउ नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ लिंगजियाओ को तो ये पता ही नहीं था कि हेपेंग ऑलरेडी जेल से बाहर आ चुका था और उसे लगातार फॉलो कर रहा था बिना उसे कॉन्टैक्ट किए। दरअसल हेपेंग को जेल से बाहर निकालते वक्त फैंगशिंग ने हेपेंग को सारा सच बता दिया था, पर वो उस बात पर यकीन नहीं कर पाया था। पर जब उसने लिंगजियाओ को सीक्रेटली फॉलो किया तब उसे उसके धोखे का पता चला। लिंगजियाओ को डेरेन के पास वापस और खुश देखकर हेपेंग के सारे सपने टूट गए थे। हेपेंग अपना सब कुछ खो चुका था,
बस उसके पास लिंग जियाओ और उसका होने वाला बेबी ही था, पर अब वो भी लिंग जियाओ के धोखे ने उससे छीन लिया था। हे पेंग ने शातिर औरतों के बारे में सुना था और लिंग जियाओ उसका बेस्ट एग्जाम्पल थी। सारा सच जानने के बाद अब हे पेंग लिंग जियाओ के हाथों बेवकूफ नहीं बनने वाला था और ना ही उसे माफ करने वाला था। उसे तो अब ये भी यकीन था कि पेटर्निटी रिपोर्ट भी लिंग जियाओ ने झूठी ही बनवाई होगी और वो बेबी उसका नहीं है। वहीं अगले दिन जब घर जाने के लिए यीबो अपने कंपनी से निकलता है तो उसे जान का कॉल आता है जो उसे फोर सीजन्स होटल के एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में आने को कहता है। यीबो जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसे उस रूम में उसके और जान के पेरेंट्स दिखते हैं। जान यीबो को देखकर फौरन अपनी सीट से उठकर उसे वेलकम करता है। यीबो देखते ही समझ गया था कि शियाओ फैमिली से और रुका नहीं गया होगा और उन्होंने खुद ही यीबो के पेरेंट्स को मिलने के लिए बुलाया होगा। तभी जियान मिन भी अपनी जगह से उठकर यीबो से कहता है कि उसने यीबो के पेरेंट्स को डिनर पर इनवाइट किया है ताकि दोनों फैमिलीज एक साथ मिलकर डिनर कर सके। जिसे सुनकर यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करके सबके साथ ना बैठते हुए सबको कहता है, ये मेरी ही गलती है, ये डिनर मुझे पहले ही अरेंज्ड करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं सब अच्छे से प्रिपेयर करवाता। अब जब ये हमारा फैमिली डिनर है तो लगता है आप कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों को भूल गए हैं। जिस पर चिरैन पूछता है कि वो किसको भूल गए हैं तो यीबो मिस्टर एंड मिसेस शियाओ की गिल्ट से भरी आंखों में देखते हुए कहता है कि जान की ग्रैंड माँ शियाओ तिंग्यू, ग्रैंड फादर मिस्टर फेंग म्यान और खुद यीबो की ग्रैंड माँ को भी यहाँ होना चाहिए था। यीबो की बात से जियान मिन समझ गया था कि इस डिनर का यीबो को पहले ना बताकर उन्होंने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी और अब बस वो यीबो उन पर गुस्सा ना निकाले यही सोच रहे थे। लेकिन तभी चिरैन कहता है कि यीबो की ग्रैंड माँ स्विट्जरलैंड में है तो इतनी जल्दी यीबो की ग्रैंड माँ यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए वो सारे मिलकर उनके साथ किसी और दिन डिनर कर लेंगे। पर अगर जान के ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ यहाँ चोंगचिंग में ही हैं तो उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। जिसे सुनकर हाँ में सिर हिलाकर यीबो फैंगशिंग को बोलकर ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ को लाने के लिए कहता है। जिसके बाद यीबो पहले जान के लिए चेयर पुल करके उसे बैठने देता है, फिर उसके पास बैठकर रिलैक्स्ड होते हुए सबको थोड़ा इंतजार करने को बोलता है। पर मिस्टर एंड मिसेस शियाओ थोड़ा बेचैन हो रहे थे क्योंकि उन्होंने शियाओ तिंग्यू को इस डिनर मीटिंग के बारे में बताया ही नहीं था और जियान मिन ये भी सोच रहा था कि उसके अपने बड़ों को ना बुलाने पर ना जाने चिरैन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा क्योंकि यीबो को कुछ ना बताकर उसने सीधे चिरैन से बात करके ये डिनर प्लान किया था। ये सब सोच कर जियान मिन एक नज़र चिरैन की तरफ देखता है क्योंकि उसकी वजह से चिरैन और यीबो को यहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा था। पर जियान मिन को चिरैन के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं दिखाई देते। वहीं जिंग टोंग नर्वस थी क्योंकि सालों बाद वो अपने फादर को फेस करने वाली थी जो उसे पसंद नहीं करते थे। ठीक आधे घंटे बाद वहाँ ग्रैंड माँ तिंग्यू और ग्रैंड पा फेंग म्यान पहुँच जाते हैं तो जान उन्हें देखते ही उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। जिस पर ग्रैंड माँ तिंग्यू शिकायती टोन में कहती है कि उन्हें इतनी बड़ी बात के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया तो जान स्माइल के साथ कहता है कि तभी उनको यहाँ बुलाया गया है और अगर जान उन्हें बुलाना भूल भी जाता तो यीबो नहीं भूलता। ये कहते हुए जान और तिंग्यू दोनों यीबो की तरफ देखते हैं और स्माइल के साथ ग्रैंड माँ तिंग्यू कहती है कि उन्हें यीबो पर यकीन है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तभी उनके पास आते ही यीबो उठकर उनके लिए उनकी सीट पुल करके उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली बिठाता है। वहां बैठते हुए ग्रैंडपा जिंग टोंग को अपनी आंखों के किनारे से देखते हैं जिसे वो कई सालों बाद देख रहे थे। अगर ये जान की खुशी की बात नहीं होती तो वो यहाँ बिल्कुल नहीं आते। उसके बाद यीबो सबका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाता है ताकि उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छे से जान सके। सबका इंट्रोडक्शन मिलने के बाद चिरैन यीबो और जान की वेडिंग की बात करते हैं और सबकी सहमति से अरेंजमेंट्स प्रोफेशनल्स के हाथों देने का फैसला करते हैं। उसके बाद चिरैन वेडिंग में देने वाली डाउरी की लिस्ट मिस्टर एंड मिसेस शियाओ को देते हुए कहते हैं कि अब
जान उनका है, तो ये सब उसके लिए, उसके पेरेंट्स को देने के लिए है। डाउरी लिस्ट को देखते ही जियान मिन और जिंग टोंग की आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि वांग फैमिली ने जान को डाउरी में इतना सब कुछ दिया था जो वो सोच भी नहीं सकते थे कि जान को वांग फैमिली इतना वैल्यू करेंगे। वहीं अपने पेरेंट्स के चेहरे पर लालच देखकर जान को गुस्सा आ रहा था, पर ईबो उसे शांत करते हुए कहता है कि ये सब बस एक रिचुअल है। तो जान दिल से ये सब बातें ना लगाए, क्योंकि ईबो के लिए उसका जान प्राइसलेस है। लेकिन जान ये सब इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था, तो वो एक स्माइल के साथ पोलाइटली अपने पेरेंट्स से कहता है कि ईबो के पेरेंट्स ने उसका इतनी सारी डाउरी देकर कितना रिस्पेक्ट किया है। तो क्या उसके पेरेंट्स ईबो को रिस्पेक्ट नहीं देंगे? उन्हें भी ईबो को डाउरी देनी चाहिए। जिसे सुनते ही जियान मिन और जिंग टोंग के चेहरे की खुशी कहीं गायब हो जाती है। लेकिन ग्रैंडपा फेंग मियान एक ग्रीन बुक निकालकर जान को देते हुए कहते हैं कि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये सेविंग्स ही हैं जो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने की है, जिसे वो जान को देकर सबसे ज्यादा खुश होंगे। और जब जान उनका ख्याल रखता है तो उन्हें ये पैसे यूज करने का कोई मौका भी नहीं मिलने वाला। ग्रैंडपा की बात से जान ग्रीन बुक लेने से मना करता है, पर ईबो उसे ग्रैंडपा से ले लेता है और कहता है कि अगर ग्रैंडपा इससे खुश हैं तो ये ग्रीन बुक वो उनकी ब्लेसिंग समझकर जरूर लेगा। वहीं ग्रैंडमा तिंग्यू भी मिस्टर फेंग मियान की बात से खुश होती हैं कि वो भी जान को कितना प्यार करते हैं। उसके बाद ग्रैंडमा तिंग्यू अपनी ज्वेलरी बुक्स निकालकर जान को देते हुए कहती है कि ये उनके पूर्वजों की ज्वेलरीज हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही इसके सही हकदार को मिलता आया है, तो वो ये आज जान को देना चाहती है, जिन्हें जान अपनी नम आंखों के साथ अपनी ग्रैंडमा से ले लेता है। अपने सामने जान के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को डाउरी एज अ वेडिंग गिफ्ट देते हुए देख जिंग टोंग और जियान मिन बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं कि वो दोनों ऑलरेडी इस रिचुअल के लिए तैयार होकर आए थे और जान के पेरेंट्स होने के बावजूद वो कोई तैयारी नहीं कर पाए। जिसे सोचते हुए जियान मिन चिरैन से कहता है कि ये डिनर उन्होंने बहुत जल्दी में प्लान किया था, तो वो डाउरी लिस्ट तैयार नहीं कर पाए, जिसे जल्दी ही तैयार करके वो चिरैन को जरूर दे देंगे। वहीं अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा होता देख जान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं चिरैन को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि श्याओ फैमिली उन्हें क्या देगी, इसलिए वो उनको डाउरी के लिए परेशान होने से मना करते हैं। पर ईबो जानता था कि जान के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए ईबो अपने डैड को कहता है कि ये जान का डिसीजन है कि उसके पेरेंट्स डाउरी दें, तो उन सबको जान की बात की रिस्पेक्ट करते हुए इससे मना नहीं करना चाहिए। जिसे सुनकर चिरैन को एहसास होता है कि उन्हें जान के फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए वो कह देते हैं कि जैसा जान को पसंद हो वो वैसा ही करे। जिस पर जान चिरैन से कहता है कि ये डाउरी शियाओस की तरफ से ईबो के लिए रिस्पेक्ट और लव होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपेंसिव है या नहीं। पर जान अपने डैड को देखकर कहता है कि वो जो भी डाउरी प्रिपेयर करेंगे वो उनकी तरफ से ईबो के लिए रिस्पेक्ट होगी, तो वो सोच कर प्रिपेयर करें। फिर जान आगे कहता है कि उन्होंने लिन जियाओ को डेरेन से शादी करने पर शियाओ ग्रुप के 5% शेयर दिए थे, तो अब जान वांग ईबो से शादी कर रहा है, इसलिए उसे भी वही मिलना चाहिए। ये सुनते ही मिस्टर एंड मिसेस शियाओ फ्रोज हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी शेयर जान को देकर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे और ये वो करना भी नहीं चाहते थे। तभी उन्हें ऐसा देख ग्रैंडपा फेंग मियान जिंग टोंग से कहते हैं कि वो सोच क्या रही है, जान उसका अपना बेटा है, उसे शेयर्स देने में उन्हें सोचना नहीं चाहिए। अपने डैड को खुद से इतने सालों बाद बात करता देख जिंग टोंग की आंखें नम हो जाती है और वो फेंग मियान से कहती है कि वो जो जानते हैं कि उन्हें जान के लिए क्या करना है। तभी तिंग्यू भी जियान मिन को कहती है कि उसे फौरन जो जान कह रहा है वो करना चाहिए। जिसे सुनकर जियान मिन के पास कोई चॉइस नहीं रहती और वो शेयर्स देने के लिए मान जाता है। जिसे सुनकर जान अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहता है, क्योंकि जो कुछ भी वो करना चाहता था वो उन शेयर्स को पाकर ही वो कर सकता था। जिसके बाद वेडिंग और डाउरी का मैटर सॉल्व होते ही वो सभी मिलकर अच्छे से डिनर करते हैं।
तो गाइस आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस अब आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस पर अपने प्लीज 1000 लाइक जरूर दे दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।